आओ चलें अयोध्या में अपने आराध्य भगवान श्री राम जी के स्थल का दर्शन करें। सभी देशवासियों को अयोध्या आने का स्वागत करता है अयोध्या धाम। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आज 26 जनवरी 2022 को 11 बजे मन की बात देशवासियों को संबोधित किए। वहीं पर आप सभी को बताना चाहता हूं कि अपने देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और देश के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा मन की बात संबोधित करते हुए आप सभी ने बखूबी से सुना है। वहीं पर आपको बता दूं कि आप जब जब मन की बात देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का प्रोग्राम चले तो आप तन मन से, आप गांव के रहने वाले या शहर के रहने वाले हैं या कस्बा के रहने वाले हैं या मजदूर हैं या अमीर हैं या बिजनेसमैन हैं या आप जो है खेती बाड़ी किसानी काम करते हैं, तो आप सभी लोग मतलब 11 बजे से 11:30 बजे तक यह प्रोग्राम रविवार को देश के प्रधानमंत्री जी जो है मन की बात करते हैं, आप सभी को इसमें जुड़कर और जो है भरी भात सुनना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी देश को और आगे बढ़ाने के लिए, प्रगतिशील और आगे करने के लिए विभिन्न तरह के लोगों से बातें करते हैं और मन की बातों में देश के प्रोत्साहित करते हैं कि जो है देश कितना आगे बढ़ रहा है। वहीं पर देखा गया है कि नौयुवा साथी, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी छात्र छात्राएं सभी अपने देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मन की बात बहुत हर्षोल्लास के साथ, चाव के साथ, रुचि के साथ देखते हैं, तो यह बहुत ही अच्छा लगता है। आइए हम आपको अपने भारत से आए हुए विभिन्न तरह के वीडियो आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी खुद जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग करके और आज आपको दिखाएंगे कि मन की बात में महिलाएं और बुजुर्ग क्या सोचते हैं। एक खास रिपोर्टिंग आप देखिए, मन की बात में आम लोगों का क्या राय है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं लवली गुप्ता सोशल वर्कर हूँ, हाउस वाइफ भी हूँ। मुझे मन की बात बहुत अच्छी लगती है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो मन की बात बोलते हैं उससे बहुत ऊर्जा मिलती है हम लोगों को, और सभी को उनकी बातें सुननी चाहिए जो हम सभी लोगों को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। हम फाजिम हैं बाबा के जो है, और हमें प्रधानमंत्री की मन की बात से बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है मन की बात। मैं ममता राजपूत, मैं एक समाज सेविका हूँ और मन की बात सुनती हूँ। हर किसी को प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुननी चाहिए। मन की बात सुनना बहुत अच्छा है और हर इंसान को फील करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।